बदलापुर के एनकाउंटर के बाद से ही अक्षय शिंदे जो कि मुख्य आरोपी था, दो बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाला व्यक्ति, उसके एनकाउंटर के बाद उसके माता पिता काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारा बेटा तो पटाखा जलाने में भी डरता था और उसने गन कैसे चला दी, हम तो यही सोच रहे हैं। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने गन चलाई हो पुलिस पर, और वो भी तब जब इतने सारे पुलिसकर्मी थे। जिसके बाद अक्षय के माता पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई की गई। कोर्ट ने क्या कहा, विस्तार से आपको ये बताते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि सिर में गोली कैसे लगी और गोली चलाने वाला अधिकारी कौन था। साथ ही कोर्ट ने इस एनकाउंटर में गड़बड़ी होने की बात कही है और कहा कि ये एनकाउंटर नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। उसने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी देते हुए कहा कि अगर उसे कुछ भी अप्रिय लगा तो वो कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा। कोर्ट के सवालों के बाद महाराष्ट्र पुलिस फंसती हुई अब नजर आ रही है। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मृतक के माता पिता की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखी जाए। कोर्ट अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को करेगा। आइए अब जानते हैं कि कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से क्या क्या सवाल पूछे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि पिस्तौल अनलॉक कैसे हो गई। कोर्ट को बताया गया कि जब पुलिस अधिकारी गाड़ी में बैठा था तब पिस्तौल को लॉक नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पिस्तौल कहां थी, जिस पर पुलिस ने जवाब दिया कि बाई ओर थी। कोर्ट का कहना है कि इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा सिर पर गोली क्यों मारी गई। पुलिस को ट्रेनिंग मिली हुई है, उसे ठीक से पता है कि गोली कहां चलानी है। कोर्ट ने कहा कि हाथ या पैर में गोली मारी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय 4 पुलिस वाले मौजूद थे। कोर्ट ने पूछा कैसे संभव है कि एक कमजोर आदमी पर 4 पुलिस वाले काबू ना पा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं है, हमें पुलिस अधिकारी का चोट प्रमाण पत्र दिखाएं, क्या मानवाधिकार को कागजात भेजे गए हैं। उसने पुलिस को निर्देश दिया है कि फॉरेंसिक से रिपोर्ट मंगवाकर पता लगाएं कि गोली कितनी दूर से चलाई गई, सिर से गोली निकलने के बाद कहां गई, गोली किस जगह लगी। कोर्ट ने पूछा गोली चलाने वाला पुलिस अधिकारी 1992 बैच का है क्या, क्या उस घटना से जुड़ा कोई पुलिस अधिकारी यहां मौजूद है। पुलिस ने कहा कि अभी CID अधिकारी मामले की जांच कर रही हैं। उसने सवाल किया कि फॉरेंसिक से रिपोर्ट मंगवाकर पता लगाएं कि गोली कितनी दूर से चलाई गई, सिर से गोली निकलने के बाद वो कहां गई। पुलिस से पूछा गया कि हथियार और तमाम चीजें जो प्राप्त हैं वो कहां हैं, जो भी आपको मिले हैं 24 सितंबर को जब्त किए गए और फॉरेंसिक को भेज दिए गए, ऐसा पुलिस ने कहा। कोर्ट ने पूछा हमें दिखाओ कि हाथ धोने का काम किसकी मौजूदगी में किया गया था, क्या छेड़छाड़ से बचने के लिए अपराध स्थल को सील कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि JJ हॉस्पिटल में हाथ धोने का काम किया गया था और अपराध स्थल को सील कर दिया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों के हाथ धोने और उनके फिंगरप्रिंट ले लें। अधिकारियों ने दावा किया कि मुम्ब्रा बाईपास के पास शिंदे को उस समय मार गिराया गया जब उसने एस्कॉर्ट टीम में शामिल एक पुलिसकर्मी की बंदूक कथित तौर पर छीन ली थी। पुलिस ने दावा किया कि एक सहायक पुलिस निरीक्षक को गोली मारने के बाद दूसरे अधिकारी ने उस पर गोली चलाई और उसे कलवा सिविल हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य अपराध जांच विभाग CID शिंदे की मौत की जांच करेगा और अक्षय शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है। उसने कहा कि गोली लगने के अलावा गोली बिल्कुल नजदीक से मारी गई है और अन्य चोटें और खरोंचे भी हैं। कोर्ट ने मृतक के माता पिता की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित के माता पिता का कहना है कि घटना के दिन अक्षय शिंदे से उनकी मुलाकात हुई थी। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि आपने जो समय बताया वो समय आरोपी के वकील से मेल नहीं खाता। अक्षय शिंदे के वकील ने कोर्ट से कहा कि अक्षय शिंदे को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दरअसल अब बता दें कि ये पूरा मामला जो है ये दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर सोमवार को हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम थाने के मुम्ब्रा बाईपास रोड पर हुआ।
पुलिस की टीम आरोपी को तलोजा जेल से लेकर आ रही थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया था। आरोपी अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में स्वीपर का काम करता था। 12 और 13 अगस्त को उसने स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। पीड़ित बच्चियां आरोपी को दादा यानी बड़ा भाई कहकर बुलाती थी। दोनों बच्चियों के मेडिकल टेस्ट के बाद घटना का खुलासा हुआ। 16 अगस्त को मामले में शिकायत दर्ज की गई और 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद घटना के विरोध में 20 अगस्त को बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन भी किया गया और अब एनकाउंटर में अक्षय शिंदे का अंत हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में जो अक्षय शिंदे के माता पिता हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये बोला कि हमारा बच्चा जो कि पटाखे भी नहीं जलाता था और इस तरह की कोई चीजें नहीं करता था, हमारा बेटा बहुत डरपोक था, इस तरह की बातें अक्षय शिंदे के माता पिता कहते नजर आए। हालांकि पुलिस की तरफ से यही कहना था कोर्ट में कि जब हम पर हमला करने की कोशिश की गई अक्षय शिंदे की तरफ से, तभी हमने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। हालांकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से 3 अक्टूबर को एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखना होगा कि जो भी चीजें अब कोर्ट की तरफ से मांगी गई हैं उसके आधार पर 3 अक्टूबर को कोर्ट क्या कहता है।